नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है उड़द दाल की। ये फूली फूली खस्ता पूड़ियाँ बनाने की, इनको बेदमी पूड़ी भी कहते हैं, और साथ में ही बनाई है मैंने इसके ये आलू की सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ खाने में। साथ में लिया है थोड़ा सा दही और लिया है आम का अचार। आम के अचार के बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। बेदमी पूड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप ये धुली हुई उड़द दाल ली थी, इसको रात भर के लिए भिगो दिया था, और इसका पानी हमने दो बार चेंज कर लिया है। तो अब यहाँ पर ले लिया है हमने एक मिक्सी जार, और इस दाल को मिक्सी जार में डाल के हम दरदरा पीस लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक चम्मच के लगभग हम पानी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको दरदरा ही पीसा है। अब यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, इस दाल को हम इस बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें किन किन मसालों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लिया है मैंने ये आधा चम्मच जीरा, दो चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर साबुत सूखा हुआ धनिया, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने सौंफ पाउडर यानी फेनल सीड पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चार यहाँ पर ली है हमने सूखी साबुत लाल मिर्च, एक चम्मच लिया है यहाँ पर हमने क्रश किया हुआ अदरक, और नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार, यहाँ पर हमने एक चम्मच नमक लिया है, एक पिंच के लगभग ली है हमने हींग। साथ में यहाँ पर हमने पांच हरी मिर्च ली थी, उनको क्रश कर लिया है। आप मिर्च के पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, और मिर्च का अमाउंट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो गैस पर हमने एक पैन रख दिया है, सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे जीरा, गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत सूखी लाल मिर्च। मीडियम फ्लेम पर हम इनको भून लेंगे, हाई फ्लेम पर हमें बिल्कुल नहीं भूनना है। तो ये देखिए हमने इनको मीडियम फ्लेम पर भूना है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, इनका कलर भी चेंज हो गया। गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम ठंडा कर लेंगे। जैसे ही मसाले ठंडे हो जाएंगे तो इनको मिक्सी जार में डाल के हम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा रेडी है। तो जो दाल हमने पीस के तैयार की थी उसी दाल में हम इस मसाले को ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है ये मसाला ऐड करने से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिर्च, अदरक, हींग, आमचूर पाउडर, सौंफ पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक कप गेहूं का आटा यानी व्हीट फ्लार। अभी हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, पहले हम इसको अच्छे से दाल के साथ में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें एक कप गेहूं का आटा और ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका टाइट आटा गूंथ के तैयार करेंगे, जैसा हम नॉर्मली पूड़ी के लिए गूंथते हैं। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पूड़ी का ये आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। हाथ को थोड़ा सा चिकना करते हुए आटे को चिकना कर लेंगे, जिससे कि इसके ऊपर पपड़ी न पड़े, और इसको हम ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चार ये कच्चे आलू लिए हैं, इनको हम छील के कट कर लेंगे। तो ये देखिए आलू भी हमने कट करके तैयार कर लिए हैं, और इनको हमने पानी में डिप कर दिया है जिससे कि काले न पड़े। यहाँ पर लिए हैं हमने चार टमाटर, इनको भी हमने धो लिया है अच्छे से, और हमें लाल टमाटर ही लेने हैं, तो इनको भी हम बारीक कट कर लेंगे। हमें टोमेटो प्यूरी का यूज़ नहीं करना है, टमाटर कट करके ही यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया है एक अदरक कूटने वाला, इसमें हम 7 से 8 लहसुन की कली डाल देंगे। चार हमने हरी मिर्च ली हैं, तो इनको भी हम कूट के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इनको मिक्सी में भी क्रश करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने ये लहसुन और हरी मिर्च भी क्रश करके तैयार कर ली है, इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब गैस पर रख दिया है हमने एक प्रेशर कुकर, इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, इसको गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच राई। बहुत अच्छी सब्जी बन के तैयार होती है, जीरे का यूज हमें नहीं करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक तेज़पत्ता, कुछ सेकेंड फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने आलू काट के तैयार किए हैं उनको। आलू डालने के बाद हम इसको कुछ सेकंड इस तरह से फ्राई कर लेंगे।
फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक चम्मच धनिया पाउडर, मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर, साथ में ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि जो हमारे टमाटर हैं जल्दी से पक जाएंगे। मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इनको थोड़ा सा कुक कर लिया था, तो आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से मैश होने लगे हैं, ये देखिए। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक गिलास पानी, मिक्स कर लेते हैं। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, स्वाद के अनुसार हमें नमक ऐड करना है। थोड़ा सा नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। ढक्कन लगा के हम हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगाएंगे। प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल चुका है, तो अब हम इसको खोल लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आया है। तो 2-4 आलू हम इस तरह से मैश कर लेंगे, जिससे कि सब्ज़ी हमारी गाढ़ी भी हो जाएगी, देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सब्ज़ी हमारी रेडी है। तो अब हम पूड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। आटा को ढके हुए हमें 30 मिनट के लगभग हो गए हैं, तो हाथ को थोड़ा सा चिकना करते हुए हम इसको 1 मिनट तक और मसलते हुए चिकना कर लेंगे, तभी हमारी जो पूड़ियाँ हैं एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए आटे को हमने 1 मिनट तक मसलते हुए चिकना कर लिया है। तो अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ के तैयार कर लेंगे। आपको जिस साइज़ की पूड़ी बनानी है उस साइज़ की लोइयाँ तोड़ लें और इनको गोल कर लें, ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम अपनी सारी लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने अपनी सारी लोइयाँ बना के ये तैयार कर ली हैं। तो एक लोई हम ले लेंगे, बाकी को हम ढक के रखेंगे, जिससे कि सूखे नहीं। तो एक चकले पर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, सूखे आटे का यूज़ हमें नहीं करना है, और इसको हम पूरे चकले पर इस तरह से फैला लेंगे। तो अब हम पूड़ियाँ बेल लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि किनारे से लेते हुए हमें बेलना है, बीच में ज़्यादा पतली ना हो। ये पूड़ियाँ ज़्यादा पतली नहीं बेली जाती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक जैसी पूड़ी हमें बेलनी है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी पूड़ियाँ बनके तैयार हैं। मैंने इनकी मोटाई किस तरह से रखी, एक जैसा इनको बेला है। बीच में पतला बिल्कुल नहीं करना है, अगर ये बीच में पतली हो गई तो फूलेंगी नहीं। तो इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे। एक और मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने दूसरी लोई ले ली। अगर आपको बेलने में चिपकने लगे आप, तो थोड़ा सा ऑयल चकले पर डाल लें, जिससे कि आसानी से बेल जाएगी। और अगर हमारा आटा परफेक्ट गुथा हुआ होता है तो पूड़ी बेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये देखिए हमने दूसरी पूड़ी भी बना के तैयार कर ली है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी पूड़ियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो गैस पे हमने ऑयल पहले से गरम करने रख दिया था। पूड़ियाँ तलने के लिए हमें अच्छा गरम ऑयल चाहिए। तो कढ़ाई में हम पूड़ी डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। जैसे ही आपको लगे हल्की सी ऊपर आने लगी है, तो इस तरह से थोड़ा सा बीच में प्रेस करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, ये देखिए। आप चाहे तो इस तरह से ऑयल भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, जिससे कि अच्छे से ये फूल जाएगी। और किनारों को दबाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी बढ़िया पूड़ी ये फूल के तैयार हुई है। इसको हम पलट के दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से किनारों को दबाते हुए हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए हमने पूड़ी को दोनों साइड अलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। तो इसको हम थोड़ा सा किनारे पर इस तरह से रोकते हुए निकाल लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट हमारी पूड़ी बनके तैयार हुई है, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। तो इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक और पूड़ी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी हमारी जो पूड़ी है वो अच्छे से फूलेगी। तो कढ़ाई में डालने के बाद थोड़ा सा हम इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए तो हमारी दूसरी पूड़ी भी आप देख सकते हैं कि अच्छे से फूल गई है, ये देखिए। तो इसको थोड़ा सा हम इस साइड फ्राई होने देंगे और पलट के हम दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से अलटते पलटते हुए हमने इसको दोनों साइड फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं
कि हमारी कितनी बढ़िया ये पूड़ी बनके तैयार हुई है। तो इसको भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी तरह से अपनी बाकी बची हुई पूड़ियाँ भी हम फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ये उड़द दाल की बेदमी पूड़ी बन के तैयार है, एकदम फूली फूली खस्ता पूड़ियाँ हमारी बनी हैं, साथ में हमारी आलू की सब्ज़ी भी तैयार है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।